मुझे सड़क पर पिटा, मुझे सड़क पर मारा एसयू ने, एसयू ने मारा मुझे। पूरा मन प्रदेश करे एसयू आ रहा आया, उसने मुझे सड़क पर मारा और लात मारी। आज देखो क्या हालत होगी, उन्होंने मुझे मारा। ये किसको डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? ये देखो आप मेरे को बोले हमारे कार्यकर्ता हमारे सीनियर। ये कौन था? ये कौन है? तानाशाही करती नहीं है, ये तानाशाही सरकार कभी चलने नहीं देंगे। ये कुत्ता करती हम खत्म करें। आप देखो ये चूत साले मुझे मारा, ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रियंका जी आगे बढ़ो। सारी जवाब नहीं दे रहे हो। प्रियंका जी आगे बढ़ो, मैं बोलूंगा वो जरा पीछे वाले कम बोल। प्रियंका जी आगे बढ़ो, प्रियंका जी आगे बढ़ो। सरकार योगी मोदी की सरकार। देखो आपने यूं तो पूरे देश में अराजकता का माहौल है और देश को जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति मोदी सरकार और आरएसएस चला रही है उसकी ताज़ा मिसाल आपने दो दिन पहले लखीमपुर खीरी में देखी, जहां पर हमारे देश के अन्नदाता हमारे देश के किसान पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो तीन कानून उनके ऊपर ज़बरदस्ती मोदी सरकार ने कायम किए हैं उसके विरोध में, और भाजपा के यूनियन होम मिनिस्टर और उसका बेटा, उसकी पूरी गुंडों की जमात जिस तरह से पीसफुल किसानों के धरने के बीच में एक हाई प्रोफाइल गाड़ियों का एक काफिला लेकर और बेतहाशा तरीके से जिसने किसानों के ऊपर से कुचल के पास किया और जिसमें करीब 8 हमारे किसान मारे गए, शहीद हुए, और वो पूरे देश ने देखा कितना पावर का नशा, कितना गुंडाई पर मोदी और योगी उतर चुका है। क्योंकि उनको शायद ज़मीन से अब महसूस हो रहा है कि देश अब हमको नकारने जा रहा है, किसान हमको नकारने जा रहा है, नौजवान हमको नकारने जा रहा है, ऐसे में वो गुंडाई पर उतर आए और 8 किसानों की हत्या की, जिसको लेकर पूरे देश में पूरे दुनिया में इस वक्त वाहवेला हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी लखनऊ में मौजूद थी, लखीमपुर खीरी उन परिवारों से मिलने जा रही थी। उनको रास्ते में 5 घंटे योगी के पुलिस ने डिटेन किया, मैनहैंडल किया, उसको किडनैप करने की कोशिश की और बिना किसी ऑर्डर, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी वारंट के उनको पिछले 48 घंटे से डिटेन कर रखा है। आज पूरे देश में किसानों के हक में और प्रियंका गांधी के रिलीज में उसकी हिम्मत का हम दाद देते हैं। एकमात्र एक महिला योगी के गुंडों के साथ अकेला जिस तरह से मुकाबला किया, और हम उनकी सहानुभूति के लिए, हम उनकी सॉलिडेरिटी के लिए, जब तक वो जेल में रहेगी, जब तक उसको योगी आदित्यनाथ बंद रखेगा, तब तक पूरे देश में कांग्रेस वर्कर सड़कों पर रहेंगे और हम ये आवाज़ बुलंद करेंगे, किसानों को इंसाफ दो और कातिलों को सजा दो और प्रियंका गांधी को रिहा करो। ये हमारे 3 मुद्दे इस वक्त के हमारे इस प्रोटेस्ट